फिलहाल हम लोग एक आर्मी कैंप टाइप का रेस्टोरेंट में है जो कि गुरुदोम्बा से थोड़ा नीचे है। यहाँ से आपको परमिट सो करना पड़ेगा बाहर, और यहाँ पे आपको ग्लव्स वगैरह अगर चाहिए तो मिल जाएगा। ठीक है, तो बाहर आप देख सकते हैं बहुत ज़्यादा ठंड है, और यहाँ पे आपको परमिट सो करना पड़ेगा। यहाँ पे परमिट सो करने के बाद आपको ऊपर जाने देगा। तो मेरे दोस्त ने बोला अभी टेम्परेचर जो चल रहा है वो है -3.6 देख सकते हैं, और यहाँ पे आप पूरा लद्दाख वाला व्यू आ रहा है। यहाँ पे काफी सुंदर है व्यू। लास्ट एक किलोमीटर जो था गुरुदोम्बा लेक पहुंचने से, लास्ट एक किलोमीटर पूरा चराई था और धूल मिट्टी का रास्ता था, तो वो सबसे ज्यादा डेंजरस लगा मेरे को। देख सकते हैं हमारा तीनों का बाइक यहाँ पे लगा हुआ है। बहुत ज्यादा मेहनत और बहुत ज्यादा एडवेंचर के बाद हमने ये राइड कम्प्लीट कर लिया गुरुदोम्बा का, और अभी हम लोग जहाँ से शुरू किए थे वहीं आके पहुंच गए। यहाँ से लंच करके वापस निकल जाएंगे यहाँ से लाचुंग की ओर। तो बाइक स्टार्ट हुआ था 6:45 को, और अभी बज रहा है लगभग 2, तो लगभग इतना टाइम लगा हमें। और ऊपर बहुत डेंजरस रास्ता था, आते वक्त स्नोफॉल्स हो रहा था, लेकिन नीचे बारिश हो रहा है ऊपर स्नोफॉल्स हो रहा है, बहुत अच्छा कॉम्बिनेशन था, पर वो शूट नहीं कर पाया। तो यहाँ से हम लोग निकल जाएंगे लगभग आधे घंटे में लाचुंग की ओर, तो आगे का जर्नी आपको बताते हैं। तो फिलहाल हम लोग उठ चुके हैं, अभी हम लोग है लाचुंग में, और हम तो पहुंचते लगभग 5 बज गए थे, और 5 बजने के बाद बहुत बारिश हो रहा था इसीलिए आगे का ब्लॉग नहीं कर पाया। तो यहाँ पे हमने रूम लिया, आप देख सकते हैं बालकनी से पूरा माउंटेन का व्यू। तो हम लोग तैयार होकर कोशिश करेंगे कि 6:30 बजे के पहले यामथंग वैली के लिए निकल जाए, क्योंकि थोड़ा भी टाइम अगर हमने ज्यादा ले लिया तो फिर बारिश फिर से शुरू हो जाएगा। तो हमने 3 रूम लिया है आज, इधर एक रूम है, ठीक है, तो आप देख सकते हैं इधर भी अच्छा अच्छा एक व्यू है, इधर झरना वगैरह है और काफी अच्छा नजारा आया। ये देखो बढ़िया झरना गिरा है। यामथंग भाई यहाँ से लगभग 23 किलोमीटर है और 0 लगभग आपका 50 किलोमीटर है। मैं पार्किंग था, ठीक है, तो नीचे हम तीनों का बाइक रखा हुआ है क्योंकि रूम काफी अच्छा है और रेंट भी ठीक ठाक है, लगभग 1200 बोल रहा था पर रूम का, तो हमने थोड़ा बहुत मैनेज करके 1100 पर रूम का कर लिया। 2 रूम एक्चुअली हमने लिया है, लेकिन डिफरेंट करके दरवाजा है, तो इस दरवाजे को लगाने के बाद तीनों रूम का हमें एक्सेस मिल जाता है, तो इसीलिए हमने तीनों रूम को यूज कर लिया है। ठंड बहुत है, लेकिन इतना ज्यादा ठंड हमने मतलब फर्स्ट में झेल लिया है कि उतना ज्यादा महसूस नहीं हो रहा मेरे को। मैं एक नॉर्मल टी शर्ट पहन के घूम रहा हूँ। तो आप देख सकते हैं अभी हमने शुरू किया है बैग को बांधना, ठीक है, अभी निकलना हमें 10 मिनट में। रेनकोट, जैकेट, उसके अंदर जैकेट, उसके अंदर टी शर्ट, उसके अंदर एक और टी शर्ट। लगभग 2 किलोमीटर बाकी है अभी पहुंचने में, आप देख सकते हैं यामथंग वैली। अभी हम लोग खड़े हुए हैं क्योंकि भैया जो है ग्लव्स खरीद रहे हैं क्योंकि उसका हाथ जम गया है, मेरा भी हाथ जम गया है, लेकिन बारिश हो रहा है ना, तो ग्लव्स अगर खरीद के भी पहनूं तो भी
पाँच मिनट में फिर गिला हो जाएगा फिर, तो फिर खरीद के कोई फायदा नहीं। वैसे भी मैंने 3-4 ग्लव्स ऑलरेडी खरीद लिया है इस ट्रिप में। स्नोफॉल हो रहा है और हम बादलों के बीच पे, पेड़ के बीच पे बाइक चला रहे हैं। इस लेवल का फील आपको कैसे बता सकता हूँ, अब बस देखिए और फील कीजिए कि कैसा मजा आ रहा होगा। एडवेंचर बहुत जरूरी है। आप पीछे देखो एक बार, हर एक पेड़ क्रिसमस ट्री जैसा लग रहा है। लग रहा है कि हम न्यूयॉर्क में है अभी और क्रिसमस चल रहा है। देख सकते है इतना ब्यूटीफुल। या आप देख सकते हैं यहाँ पे शिव मंदिर है और स्नोफॉल्स हो रहा है। वाव, हर हर महादेव, शंकर महादेव, शिव शंभु। चारों तरफ बर्फ ही बर्फ। हम आसमान की ऊंचाइयों में चारों तरफ कोहरे, इतना कोहरा कि हम भी कोहरा कोहरा हो गए भाई। ठंडा लगता है भाई। भाई 100 से ज्यादा लेने पर उतार दो हमें यहाँ से। गाइस लगभग 15 मिनट हो गया हम यहाँ पे रुके थे। बहुत ही अच्छा जगह है फोटो वगैरह खींचने के लिए, ठीक है। तो 0 पॉइंट हम नहीं पहुंच सके, उससे लगभग 10 किलोमीटर आगे हम रुक गए क्योंकि आगे जो रास्ता था ना वो पूरा बर्फ से ढका हुआ था और क्योंकि कोई भी गाड़ी और बाइक नहीं जा रहा है तो हम भी नहीं गए रिक्स लेके, ठीक है। और 0 पॉइंट का जो ओरिजिनल पॉइंट है ना वो भी फिलहाल बंद है। तो 0 पॉइंट से लगभग 10 किलोमीटर पहले हम रुक गए थे। तो यही है वो जगह जहाँ पे हमने बहुत सारा फोटो वगैरह खींचा। तो ये देख सकते हैं आप, बाइक वगैरह यहाँ पे लगा हुआ है हमारा और ये भाई अभी भी फोटो खींच रहा है। और अभी भी स्नोफॉल्स भी थोड़ा बहुत शुरू हो चुका है और नीचे देख सकते हैं आप बहुत अच्छी अच्छी व्यू दे रहा है नीचे। ओ नीचे से रास्ता आ रहा है, उसके बाद ऊपर जा सकते हैं हम। कोई भी गाड़ी अभी फिलहाल ऊपर नहीं जा रहा है 0 पॉइंट के करीब, वहां पे रास्ता रोक दिया है। स्नोफॉल्स भी हो रहा है अभी, फ्रेश स्नो जब मुंह में गिरता ना अलग ही लेवल का फील आता यार। काफी रास्ता अभी बाकी है, लगभग 100 किलोमीटर 150 किलोमीटर हमें जाना होगा नीचे। बहुत तेज स्नोफॉल हो रहा है, आप नहीं देख सकते, कैमरा में उतना कैप्चर नहीं कर पा रहा है, लेकिन स्नोफॉल बहुत ज्यादा हो रहा है। हर हर महादेव। ओ भाई, ये आप देख सकते हैं गाइस, यही है वो जगह जिसको यमथंग वैली कहते हैं।
भूख लगा था इन नुक्कड़ों को, सब खाली कर दिया प्लेट। दोबारा खाना आएगा तब खाएंगे। सब लोग यहाँ पे पेट्रोल भर चुके थे, सब लोग इसको बोला कि भर लो भाई पेट्रोल भर लो, बट इसका इतना जिद नहीं, खरीद के हम लोग पेट्रोल भर रहे हैं, मतलब ये भर रहे हैं, इतना जिद लड़के का, इतना जिद। गैंगटॉक पहुंचने में लगभग सिर्फ 20 किलोमीटर बाकी है। हमने सुबह से 6:30 बजे से राइड शुरू किया, पूरा दिन हमारा बाइक पे ही बीत रहा है, अभी बहुत मजा आ रहा है। अभी फिलहाल हवा मिल रहा है, आप देख सकते हैं कितना अच्छा नजारा है। इस ब्रिज में थोड़ी देर शांति के लिए हमने खड़ा हो गया, शायद भगवान भी हमें जीवन में बहुत सारा ट्रैवल और आनंद एडवेंचर दे, यही दुआ करते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे लाइफ में, जिंदगी में।